नमस्कार दोस्तों, आज 20 सितंबर 2022 दिन मंगलवार। दोस्तों जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला। दोस्तों अब समय हो चुका है 9:35, ना तो सुबह है ना दोपहर है, ये ठीक ठाक वक्त है आलू की रिपोर्टिंग के लिए। सभी कहते हैं थोड़ा सा लेट आया करो, क्योंकि मेरे वाले आड़ती हैं लेट आते हैं थोड़ा, ये कहते हैं कि मंडी चल जाए कम से कम आधी आधी गाड़ियाँ बिक जाए तब नज़ारा है रिपोर्ट का। चलिए जान लेंगे भाई साहब के पास आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में कितनी गाड़ियाँ आई। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट हैं, यहाँ जो रेट चलता है आलू का 50 किलो का चलता है। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी कैसी पोजीशन जी, कितनी गाड़ियाँ जी मंडी में जी? राणा जी नमस्कार। देखो राणा जी यहाँ पे 120 गाड़ी हैं, जिसमें कल की 42 गाड़ी, कल की 42 गाड़ी। अच्छा जी, जिसमें चिप्सोना वगैरह और ये सूर्य मिला के 40-42-45 गाड़ी करीब आ रही हैं। हाँ जी। कभी 50 हो, कभी 40-42 हो जाती हैं। अच्छा जी। और बाकी जो है सारी अन्य मिला के 120 गाड़ी करीब है। हाँ जी। सारी। और बाकी उठाव का ये है, नीचे जो बैलेंस है 5-7 हज़ार इकट्ठे हैं नीचे उतरे हुए 8 हज़ार होंगे, 7 हज़ार इकट्ठे होंगे। हाँ जी। ये और बीच में गर्मी पड़ रही थी तो उसके कारण थोड़ी बिक्री, फिर थोड़ी ठंडी पड़ गई थी, बीच में बारिश हुई तो बिक्री सही हो गई थी बीच में। अच्छा जी। ये फिर दोबारा गर्मी पड़नी चालू हो गई तो फिर थोड़ा हो गया माहौल ऐसा। अच्छा जी। बाकी ये है कि बाजार जो बढ़िया माल है चिप्सोना के अंदर 930 रुपये, 950 रुपये और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है 1020 रुपये तक दे रहे हैं। 1020 रुपये तक, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी 1020-30 रुपये दे रहे हैं। अच्छा जी। और जो हल्के फुल्के हैं उनका कोई रेट नहीं है। हाँ जी। और बाकी जो इधर के सूर्या वगैरह आ रहे हैं वो यहाँ पे सूर्या प्राइस होना या समझ लो डायमंड वगैरह, हाँ वो 1000 रुपये से लेके 1100 रुपये तक तो वो आलू हैं जिनका सिर्फ नाम है कि आलू है। हाँ जी। और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आलू हैं वो 1100 से लेके 1200-1250 रुपये बिक जाते हैं। एक आधी गाड़ी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उठ जाती है। हाँ जी। जिसको आलू मतलब समझ लो 40 कट्टे का लाट होता है और लेने वाले उसके ऊपर 8 होते हैं। अच्छा वो तो चाहे आरती 1300 लगा ले 1320 लगा ले, वो आरती अच्छा के ऊपर निर्भर रहता है, वो ग्राहक के ऊपर भी निर्भर रहता है। हाँ कि मैंने लेना है भाई, मैंने छोड़ना नहीं है। लाट अच्छा कितने होता है, 40 कट्टे का, 50 कट्टे का, ना के गाड़ी नाम होता है गाड़ी। अच्छा जी। अच्छा। तो गाड़ी के अंदर लाट आता है लेकिन वो इक्का दुक्का ही आ रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं आ रहे मंडी में। कोई कहे भाई मंडी में बहुत आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, क्वालिटी के अंदर कोई वो नहीं आ रही जैसे आनी चाहिए। अच्छा जी। नाम है कि आलू आ रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, बढ़िया क्वालिटी कम है मंडी में। बढ़िया क्वालिटी कम आ रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी जो चाहिए माशोकर को वो कम आ रही है। तो कल के बाजार में और आज के बाजार में क्या डिफरेंस जी, जैसे बिक्री चल गई 950 ऊपर 935 हो लिया जी। देखो जी बाजार के अंदर ये है कि जो बढ़िया माल है वो आपको अभी बताया कि उसको तो फिर भी ग्राहक नहीं छोड़ रहा। हाँ जी। 10-20 रुपये का मुँह नहीं देख रहा ग्राहक। अच्छा जी। लेकिन हल्के आलू को वो 4 दफा धक्के खा के फिर कहते हैं यार इसमें से डिसाइड करो, ये ले लो। अच्छा जी। ये ले लो या खाली चले जाओ कि भाई जैसे 50 कट्टे डिमांड है वो कहते हैं चलो 20 कट्टे ले जाओ, 30 कट्टे कल ले लेंगे। अच्छा, इंतजार में रहता है। बढ़िया इंतजार, बढ़िया आलू का इंतजार, क्योंकि भाई साहब आगे भी ना जो है इनके यहाँ पे भी फुटकर पे जो है ना। हाँ जी। क्वालिटी मांग रहे हैं हरी जगह ना। अब आप भी देखो राणा जी, ना कपड़ों से ले लो या नाई की दुकान से ले लो, कहीं पर भी चले जाओ, हर एक जगह जो है साफ सफाई, हर एक चीज बंदा वो देखता है क्लीनिंग। हाँ जी। क्वालिटी के अंदर। और पुराने जमाने चले गए, बाबा आदम के जमाने के, कि बीज चल रहा पुराना चल रहा उसको कोई नहीं लग रहा। अच्छा जी। सफाई होनी चाहिए माल में, सफाई होनी चाहिए ग्रेडिंग। हाँ जी। ये कई इलाके क्यों मार खा रहे हैं इस चक्कर में, सफाई के चक्कर मार खा रहे हैं। अच्छा, वो भी आलू है। हाँ जी। वो भी आलू है और वो भी आलू है। हाँ जी। एक परचून के अंदर बेचने वाला है उसको अपने स्टैंडर्ड, जिसकी टोकरियों पे मार्केट में दुकानें लगती हैं। हाँ जी। वो वहाँ पे 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो खर्चते हुए लोग देर नहीं लगाते। हाँ जी। उनको माल ऐसा चाहिए जो बस लाला की उंगलियाँ। अच्छा, बढ़िया। अच्छा अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, आज मैंने सुबह वीडियो बनाई सब्जी की। हाँ जी। हाँ जी। तो उसमें जो आर के एंड कंपनी थी उनके पास आलू आया था, वो अपना लाहौल स्पीति का, लाहौल स्पीति, ठीक है, वो मिक्स है, छोटा भी है, बड़ा भी है, लंबा भी है। लाहौल स्पीति से आलू लाना, पहली बात तो राणा जी खर्चे बहुत आते हैं। अच्छा जी। जो खच्चर के थ्रू आता है, खच्चर का खर्चा बड़ा होता है। और मैं अब तो चलो मोदी जी ने सड़कें थोड़ी बढ़िया बनवा दी, थोड़ा ऊपर तक गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। हाँ जी। लेकिन खर्चे बहुत आते हैं, लेकिन वहाँ पे ना किसान जो है मेहनत नहीं कर पाता। अच्छा। वो टेम्परेली तौर का थोड़े दिन का लाहौल स्पीति चालू होता है, वो पंजाब की मंडियों में ही खाया जाता है वहाँ पे लोकल। इतना बढ़िया आलू वो 800 रुपये का बिक रहा है जी। बहुत जी, लाहौल स्पीति का आलू बढ़िया जरूर है, उसमें ग्रीनपन की थोड़ी शिकायत होती है, वो चीज़ नहीं होती। आप बढ़िया जरूर कह रहे हो लेकिन वो चीज़ में ग्रेडिंग नहीं होती। अच्छा। पहली बात यहाँ पे ग्रेडिंग मांगता है हर एक आदमी, उसमें छोटा भी, बीच में छोटा छोटा छोटे को बोलते हैं टीपी, छोटा टीपी,
वो यहाँ पे दूसरी देसी जो सी टीपी आ रही है वो बिक रही है 500-450 रुपए कट्टा। हाँ जी। और जो गुल्ला उससे थोड़ा ऊपर वाला है वो बिक रहा है 600 रुपए का। हाँ जी। और जो उससे ऊपर वाला है 700, और जो बहुत बढ़िया 850-900। तो खाने में कैसा होता है जी वो? खाने में बढ़िया होता है भाई साहब, मतलब बढ़िया होता है। जो अपना ये अपना हल्द्वानी है इसका मुकाबला कर लेगा जी वो? क्योंकि वो तो यार लाहौल स्पीति का नहीं, इतनी हाइट का। देखो वो पंजाब की मंडियों में लाइक करते हैं, उसमें ग्रीनपन की शिकायत होती उसको है। उसको छोड़ो, क्वालिटी वाइज कर रहा मैं खाने की बात। खाने में भाई साहब देखो बात सुनो, ऐसे है कि अब मैं क्या कहूँ, एक मिठाई बिकती है जो सी 1000 रुपए किलो। हाँ, एक मिठाई बिकती है 200 रुपए किलो, होती है वो भी मीठी है, मीठा होता है। हाँ जी। क्वालिटी में फर्क तो होता ही है, ऐसे कोई ग्राहक। अच्छा, इतनी हाइट पे होने के बावजूद भी इतनी क्वालिटी नहीं है बढ़िया? वो बढ़िया नहीं, वो क्वालिटी बढ़िया नहीं है, वो बढ़िया नहीं, वो बढ़िया पंजाब की मंडियों में चलता है लाहौल स्पीति का आलू। अच्छा जी। लाहौल स्पीति का आलू बढ़िया चलता है। पहले होती थी क्वालिटी है ढूंबरी क्वालिटी होती थी ढांगरी। हाँ, ये क्वालिटी आती थी पहले, उसको लोग जो लाला लोग होते हैं पुरानी दिल्ली के लाला लोग। हाँ जी। जो इधर के एरिया के दरियागंज एरिया के दूसरे, उन लोगों को क्वालिटी का पता होता, खाने के शौकीन थे, वो कहते जी लाओ जी प्योर माल लाओ। और तो लोगों क्या है जी आलू का पता है। हाँ जी। उनको पता होता आलू कौन सा बढ़िया है, वो खाने के शौकीन थे, उनको रेट से मतलब नहीं था, 30 रुपए किलो नहीं 50 रुपए किलो दो, लेकिन उनको आलू चाहिए। अच्छा जी। उनको आलू चाहिए। तो मैं तो देख के आया ना जी, मेरा तो दिल करा कि इतना शानदार आलू 800 रुपए कट्टा, 50 किलो की बोरी 800 रुपए में बिक रही है वो। भाजी आरके वाले हमारे भाई लोग हैं। हाँ जी। लेकिन उनको दिखाई दे रहा है तभी वो वहाँ पे काट रहे हैं, नहीं तो वो यहीं पे भेज देते। अच्छा। उनको पता है इस मंडी में यहाँ पे आगे नहीं बिक पाएगा, वहाँ पे सब्जी सुब्जी वाला कोई ले जाएगा बेचारा, 2 कट्टे 4 कट्टे आए होंगे, कितने 40 कट्टे आए होंगे, 30 कट्टे नहीं, नहीं, वो तो थे 15-20 कट्टे 30 कट्टे। मैं तो जनरल बात पूछी कि उसकी क्वालिटी में क्या दिक्कत है। भाई उसकी क्वालिटी आगे यहाँ पे भी आती थी, लाहौल स्पीति की गाड़ियाँ आती थी। अच्छा। बड़ी थोड़ी मंदी करके भी, यानी आलू मंडी में भी आएगा तब भी वो रेट बिकेगा नहीं, क्वालिटी बन के आएगी ना। हाँ जी। क्वालिटी बन के ग्रेड होगा, उसके अंदर मतलब ग्रेडिंग के अंदर पूरा होना चाहिए, हरे भरे के दाने अलग निकल के आने चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। अच्छा जी। ये चीज़ है बाकी, ये क्वालिटी भी गई राणा जी कोई सी भी है। और देखो बात सुनो, दुनिया ले रही है इंटरव्यू। हाँ जी। दुनिया ले रही है मंडी के अंदर, और भी चैनल आ गए। हाँ जी। लेकिन आपके चैनल पे लाइक क्यों आते हैं, इसका मतलब आप, आपके कोई है थोड़ी, ये आपका आपका पूछने का तरीका, आपका बताने का तरीका, आपका समझाने का तरीका सब चीज़ अलग है, वो सिर्फ आसमान की फोटो दिखाने से नहीं होता। चलो आपकी जी नहीं, नहीं राणा जी, जो देखो आपकी तरीब है इस मामले में, देखो सभी लोग आपको, हमारे हमारे जो किसान है वो आपके इंटरव्यू से बहुत खुश है, हमारे जितने किसान मेरे मिलने वाले यूपी के, किसान खुश तो परमात्मा खुश, यूपी के जितने किसान है मेरे व्यापारी आपको शायद लाइक भी भेजते रहते हैं। बाबा नानक जी ने तो कहीं रोटी भी नहीं खाई थी, सिर्फ किसान के घर की रोटी खाई थी, खुद ही किसान थे जी। देखो जी बात है, किसान जो है ना सबका दाता है। हाँ जी। किसान बहुत दाता है, किसान की हाय नहीं लेनी चाहिए। हाँ जी। किसान की हाय सबसे बुरी है, क्योंकि वो बेचारा बरसात से लड़ता है, धूप से लड़ता है, तूफान से लड़ता है, और अपने बच्चों को किसान इसलिए अब जो सा पढ़ाने पे लग गया है, और किसान जो सा है ठेके पे इसलिए जमीन दे रहा है क्योंकि उसको रेट नहीं मिल पाते, खर्चे बहुत बढ़ गए। गवर्नमेंट को चाहिए इनके खाद का हिसाब किताब ऐसा बना दे कि इनको ब्लैक में ना खरीदनी पड़े कोई चीज़ खाद वगैरह। हाँ जी। यूपी में जैसे खाद वगैरह ब्लैक में खरीदनी पड़ जाती है, वो ना खरीदनी पड़े, और इनको बीज ऐसे टेक्निकली दे कि हमारे हिंदुस्तान का किसान बल्ले बल्ले हो जाए पूरे वर्ल्ड में, जैसे गुजरात को बल्ले बल्ले कर रखा है ना मोदी जी ने, तो ऐसे पूरे हिंदुस्तान के किसानों को वर्ल्ड कप करते हैं। चलो देखो, मोदी जी का समय आएगा, मोदी जी का कहीं पे आवाज़ पहुँच रही हो तो ये पहुँचा दें, और बढ़िया हो जाए, किसान हमारा खुशहाल तो हम अपने खुशहाल हैं, कपड़े वाला भी खुशी होता है। देखो जी लाला की दुकान पर जाओ, वो कहता है जी किन्ना लेना पुत्र कपड़ा, वो कहते 20 मीटर कट दो जी, कहते लाला जी बस साड़ी फसल आ गई गेहूँ की, वो कहता कोई गल नहीं पुत्र कोई गल नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक आदमी किसान से जुड़ा हुआ है, चाहे इंडस्ट्रियल हो कोई सा भी बंदा हो। हाँ, किसान बगैर गति कहीं नहीं है, कहीं नहीं है जी, किसान बगैर गति नहीं है, किसान है तो हम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बस ये फैक्ट्रियों में भी किसानों का ही माल, लेकिन किसान के साथ जो गलत करेगा वो उसका तो इल्जाम ऊपर वाले ही देखता है, नीचे वाला देखता है। शुक्रिया भाई साहब जी जानकारी देने के लिए। भाई साहब जी दुकान का एड्रेस, मोबाइल, दुकान का एड्रेस तो जानना जी सबको पता ही है आपको। चलो मोबाइल नंबर बोल दो भी कोई नया दे दो। 9312-42-752 और A 333 चंद्रप्रकाश दिनेश कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया जी।